ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है चैप्टर 4, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ की हम फॉर्मेटिंग करना सीख रहे हैं। तो हमारे पास है हेडिंग दी है, बट जिनके पास बुक नहीं है, 9th क्लास में वैसे बुक अवेलेबल नहीं है आईटी की, तो फिर भी पीडीएफ के थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसमें दिया है पैराग्राफ इंडेशन। तो पैराग्राफ इंडेशन थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। पैराग्राफ इंडेशन होता क्या है? पैराग्राफ इंडेशन इज यूज टू ऐड और रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन ऑफ द पेज। देखिए, जब हम अपना वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसके पास में लेफ्ट और राइट में एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है, अगर आप पेज का साइज लेते हैं नॉर्मल साइज, तो टॉप पे भी और बॉटम पे भी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस करके रखता है। अगर उस स्पेस को हम अपने हिसाब से चाहते हैं कि उसको रिमूव करें, तो वो पैराग्राफ इंडेशन होता है। तो इसने कहा है कि पैराग्राफ इंडेशन यूज टू ऐड और रिमूव, यानी कि हम ऐड भी कर सकते हैं स्पेस को और रिमूव भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस को, फ्रॉम द लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड मार्जिन ऑफ द पेज। उसके बाद क्या दिया है? वी कैन इंडेंट द पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट साइड और फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैराग्राफ। तो हम एक्स्ट्रा जो स्पेस है हमारा लेफ्ट साइड में है, या फिर राइट साइड में है, या फिर दोनों साइड में है, हम आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले फिगर देख लीजिए नीचे। ये देखिए फिगर दी है, ये ऐसे हमारा पैरामीटर लगा रहता है। ध्यान से देखेंगे इसे, ऐसे पैरामीटर लगा रहता है। देखिए दिया है ना, फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट लाइन इंडेंट, ये देखिए लेफ्ट मार्जिन दिया है इस तरह से। ये लेफ्ट मार्जिन होता है, ये लाइनिंग दिखाई दे रही है डॉटेड, ये एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। और हमारी राइट साइड में भी इस तरह पेज हमारा छोड़ के रखता है राइट मार्जिन, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऊपर जो मीटर लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप, ये वाला यहाँ पर लिखा है फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो इतना सारा ये इंडेंट होता है, अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसकी जो मेजरमेंट लगा हुआ है, इसके हेल्प से आप इसे आसानी से रिमूव और ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं, अभी कहाँ चलेंगे कि हम पैराग्राफ इंडेंट को ऐड कैसे करते हैं। तो स्टेप वन दिया है, सेलेक्ट द पैराग्राफ टू बी इंडेंटेड। तो सबसे पहले हमें पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद करना क्या है, स्टेप टू में क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। जैसे हमारी होम टैब होती है, इंसर्ट टैब होती है, पिक्चर्स में भी दिखाया गया है भाई। तो आप क्लिक कर लेंगे पेज लेआउट टैब पर। अंडर द इंडेंट सेक्शन द पेज पैराग्राफ ग्रुप स्पेसिफाई द डिस्टेंस इन इंचज। तो जो मेजरमेंट लगा रहता है, स्केल लगा रहता है, वो डिस्टेंस को इंच में मेजरमेंट करता है। बाय विच द, इधर ले लेते हैं, पैराग्राफ इज इंडेंट फ्रॉम द लेफ्ट राइट फ्रॉम द बोथ द साइड, लेफ्ट और राइट या फिर बोथ साइड। तो देखिए ये दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, पेज लेआउट टैब है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको आसानी से इंडेंट मिल जाएगा। देखो ये दिया है इंडेंट, दिखाई दे रहा है अभी। तो लेफ्ट से आप कितना चेंज करना चाहते हैं, राइट से कितना करना चाहते हैं स्पेस में, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं आसानी से। देखिए ये दिया है, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पर, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ नीचे, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर राउंड हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर अगर माउस को ले आओगे आप, तो माउस को यहाँ ले लाने से जब माउस डबल एरो में चेंज हो जाएगा, तो आप माउस को ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो इंडेंट माउस के थ्रू भी हम रिमूव और ऐड कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या दिया है, नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे कह रहा है, एक मिनट, एक मिनट स्टूडेंट्स, वन मिनट। नेक्स्ट पेज पे कह रहा है, देखिए पेज नंबर टू, फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर आपको पहली लाइन इंडेंट करना है, यू कैन मूव द लेफ्ट साइड्स ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ इनवर्ड टूवर्ड द सेंटर। अगर आप पहली लाइन को करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट लाइन इंडेंट की हेल्प से कर सकते हैं। केवल फर्स्ट लाइन को करना है, बाकी लाइन एज इट इज रहे आपकी, तो आप पहली लाइन से कर सकते हैं। उसके बाद दिया है नेक्स्ट हेडिंग, हैंगिंग इंडेंट। अगर इंडेंट को, हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, यू कैन मूव द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ए पैराग्राफ लेफ्ट वर्ड
अवे फ्रॉम द सेंटर विच इज कॉल्ड द हैंगिंग इंटेंट। अगर आप सेंटर से थोड़ा उसको अलग करना चाहते हैं तो उसको हम हैंगिंग इंटेंट बोल देंगे। जैसे कि हमारा लास्ट पेज पे भी दिखाया गया है हैंगिंग इंटेंट, तो आप उसमें आसानी से कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, ऑप्शन दिया राइट इंडेंट। अगर आपको राइट साइड से करना है तो आप राइट साइड से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया था हमारा भाई इंडेंट, जिसकी हेल्प से आप पेज पर अगर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन है, कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन है, उसे आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। कैसे करना है, पहले तो पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको जाना है पेज लेआउट टैब में और वहाँ पर इंडेंट सेक्शन मिल जाएगा, मैंने दिखाया भी था फिगर में आपको, उससे कर सकते हो आप। उसमें पॉइंट डाल करके, इंचेस डाल करके, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जो मैनेजमेंट स्केल लगा रहता है वहाँ पर पेज के अप साइड में बिल्कुल टॉप पर, ठीक है, तो वहाँ पर आप माउस ले जाइए। जब माउस डबल एरो में चेंज हो जाता है तो भी आप माउस को जैसे ड्रैगिंग करोगे, ड्रैग करोगे, तो उसकी हेल्प से भी आप आसानी से इंडेंट चेंज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट, क्रिएट क्रिएटिंग लिस्ट। अगर आपको कोई लिस्ट तैयार करनी है भाई, बुलेट लगा के तैयार करनी है, देखा हो ना आपने, कुछ तो 1 2 3 में करते हैं, कुछ होती है हमारी, अगर हमें बुलेट कोई आइटम देने, जैसे 10 सिटीज के नेम लिखने हैं हमें, तो क्या करेंगे हम बुलेट लगा देंगे, दिल्ली, फलाना, ढिमका, बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं आसानी से। कैसे, बुलेट्स और नंबर मेक ए लिस्ट। आप बुलेट से या फिर नंबर्स का यूज करके लिस्ट बना सकते हैं। लुक अट्रैक्टिव एंड लिजिबल, आप उसके थ्रू अट्रैक्टिव भी लगेगी आपकी लिस्ट और लिजिबल भी लगेगी। ए बुलेटेड लिस्ट हैज ए डॉट। जो बुलेटेड लिस्ट हो सकती है वो कैसे कैसे हो सकती है आपकी, डॉट में हो सकती है, सर्कल, एनी अदर सिंबल या फिर कोई सिंबल हो सकता है। टू बी आइडेंटिफाई द आइटम इन द लिस्ट, आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए लिस्ट में। ए नंबर लिस्ट हैज बीन नंबर और ए लेटर इज इन आइडेंटिफाई द आइटम इन द लिस्ट। अगर आप नंबर लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें 1 2 3 आएगा, या फिर आप ए बी सी से बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ए बी सी कैपिटल ए में, फर्स्ट सेकेंड से बना सकते हो वर्ड आउट। लेकिन वर्ड में क्या है, अगर आपको बुलेट लिस्ट बनानी है, बुलेट लगा के लिस्ट बनानी है, अलग से सिंबल लगा के लिस्ट बनानी है, तो आप कर सकते हो। इसने कहा है वर्ड 2010 ऑफर अनादर पावरफुल फीचर्स विच इज यूज टू ऑटोमेटिकली क्रिएट ए ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर दोनों लिस्ट तैयार कर सकते हो ऑफ द आइटम इन द डॉक्यूमेंट्स। ए ऑर्डर लिस्ट, नंबर लिस्ट, अगर आप ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं तो वो तो नंबर में आएगी आपकी, 1 2 3 4 5, ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह हो जाए। अगर आपको करना है अनऑर्डर लिस्ट, अगर आपको बनानी है ऑटोमेटिकली अनऑर्डर लिस्ट, तो आप हेल्प ले सकते हो किसकी, दे आर एंटर द अनऑर्डर लिस्ट आइटम गेट मार्क्ड विद द स्पेसिफाइड सिंबल एवरी आइटम। तो एक अगर अनऑर्डर लिस्ट बनानी है जिसमें नंबर्स नहीं है, अपनी मर्जी से रख सकते हैं हम आइटम, तो आप उसे बुलेट्स की हेल्प से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए भाई सबसे पहले तो मैं आपको बुलेट्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं बुलेट्स, ये रही भाई हमारी बुलेट्स, ठीक है, इतनी सारी हमारी बुलेट्स होती है, दिखाई दे रही है सबको। ये राइट का हो सकता है, सर्कल हो जाएगा आपका, और ये अलग सा सिंबल है, तो इस तरह की हमारी लिस्ट आ जाएगी। देखो इधर इसने बनाई है रेड फोर्ट, ताजमहल, इंडिया गेट, गेटवे, तो इंडिया की ये फेमस हिस्टोरिकल पैलेस है, उसकी लिस्ट इसने बनाई है। तो कैसे हम बुलेट लिस्ट बनाएंगे ये हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने दिया है क्रिएट ए बुलेटेड लिस्ट। अगर आपको एक बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे, स्टेप वन दिया है टाइप द आइटम ऑफ द लिस्ट। सबसे पहले आइटम टाइप कर लीजिए जिसका आपको लिस्ट बनानी है एंड सेलेक्ट देम, उसके बाद उसे सेलेक्ट कीजिए। स्टेप टू, क्लिक ऑन द होम टैब, होम टैब पर जाइए, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, फिर ड्रॉप डाउन एरो पे जाइए, बुलेटेड इस तरह का आपको सिंबल मिलेगा, बुलेट का, बुलेट्स ऑप्शन का सिंबल मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, एक लिस्ट आ जाएगी जैसे कि इसमें आ गई है, नीचे दिखाई भी दे रही है आपको, उस तरह से आ जाएगी। उसमें से आपके क्लिक द बुलेट स्टाइल, कोई भी स्टाइल आप ले लीजिए, तो आपकी जो लिस्ट है वो बुलेटेड स्टाइल में पेयरिंग हो जाएगी। सेम मेथड रहता है इसमें, नेक्स्ट हेडिंग दिया है, सेम ये मेथड रहता है, नेक्स्ट हेडिंग जो दिया है, आप इस तरह से भाई बुलेट लिस्ट बना सकते हो। होम टैब में जाना है, वहाँ पर सिंबल मिल जाएगा बुलेट का, क्लिक कर देना है, एक लिस्ट ओपन होके आएगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी बुलेट लिस्ट तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट नंबर लिस्ट। ये तो थी बुलेट की बात, अगर आप नंबर लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो सेम मेथड रहेगा, आपको बुलेट की जगह नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नंबर्स पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आपको दिखा देता हूँ,
नंबर्स पर क्लिक करते के साथ ही देखो ऐसे नंबर्स आएंगे आपको। ये हमारी बराबर में बुलेट्स थी, इसके बाद नंबर लिस्ट है होम टाइम में 1 2 3 1 2 3, लेकिन ब्रैकेट लगा के ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारी चीज़ें। तो आप इस तरह बुलेट लिस्ट रेडी कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है भाई हमारा टैब सेटिंग। टैब सेटिंग क्या है? टैब इज डिफाइन द पोजिशन ऑफ विच इज द कर्सर जंप ऑन द प्रेसिंग द टैब की। तो टैब सेटिंग क्या करता है कि जब आप टैब की दबाते हो कीबोर्ड से, तो कर्सर जो है स्पेस की से तो वह एक एक लेटर का स्पेस लेता है। जब आप राइटिंग कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो आप एक ना एक वर्ड लिखते हो, उसके बाद स्पेस देते हो, तो एक लेटर का स्पेस लेगा। लेकिन अगर आप टैब की का यूज़ करेंगे तो लगभग वो 5 स्पेस के बराबर एक टैब की होती है हमारी। तो लेकिन आप चाहते हैं कि वो 5 से ज़्यादा 10 में स्पेस ले, या फिर ये तो फिर सीधा सेंटर में आए, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाए तो फिर सेंटर में आए, सेंटर से राइट में जाए, या फिर कोई डेसिमल पॉइंट्स में जाए, या फिर बार्स में जाए, बहुत सारी चीज़ें। तो आप टैब की जो सेटिंग है उसकी हेल्प से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अलग अलग। तो इसको ज़्यादा आपको समझ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट पेज कह रहा है टू सेट टू, एक मिनट, ये कह रहा है कि टू सेट अप द टैब इन द डॉक्यूमेंट्स। अगर हमें डॉक्यूमेंट्स में अपना जो है टैब को सेटिंग करना है तो क्या करेंगे? ओपन ए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले स्टेप वन, ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स कहाँ से आएगा भाई? प्रॉब्लम तो ये है कहाँ से आएगा। तो राइट क्लिक कर देनी है, इसमें आपको पैराग्राफ ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन द टैब, तो सीधा आपको टैब्स पे क्लिक करना है। जैसे डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसमें टैब्स का ऑप्शन होता है, टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दिया है एंटर द टैब स्टॉप पोजिशन इन द इंचज, इंचज में देगा आपको। सेलेक्ट द अलाइनमेंट, क्लिक सेट बटन, रिपीट द अबव प्रोसीडर, सेट द टैब स्टॉप, वन फिनिश, क्लिक ऑन द ओके बटन टू क्लोज। तो इस तरह से आप आसानी से अपने टैब की सेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एडिंग बॉर्डर और शेडिंग। एडिंग यानी कि बॉर्डर ऐड करना हो पेज का, या फिर बैकग्राउंड देना हो, तो आप आसानी से कर सकते हो। यानी कि जैसे आप नॉर्मली आप देख रहे हैं कि पेज में जब भी आप लिखते हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वर्ड पेज का, वो क्या आता है, वाइट पेज आता है, उस पर आप ब्लैक कलर से लिखते हो। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आप उस पर लिखो लेकिन वो कलरफुल हो, तो आप उसे बैकग्राउंड इमेज के नाम से भी, बैकग्राउंड डेस्कटॉप सॉरी बैकग्राउंड पेज के नाम से भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको पेज लेआउट टैब में। तो आप उसे क्लिक करके पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर, अगर आपको बॉर्डर ऐड करना हो पेज में तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप दिया है सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू पुट द बॉर्डर अराउंड। तो ये कह रहा है कि अगर कोई टेक्स्ट को आपको बॉक्स में बंद करना है, सपोज दैट कोई भी टेक्स्ट है आपका, उसे आपको बॉर्डर ऐड करना है, बॉर्डर में यानी कि बॉक्स में ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले सेलेक्ट को टेक्स्ट कर लेंगे, उसके बाद स्टेप टू में फ्रॉम द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक इन द बॉर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस तरह की लिस्ट, इस तरह का सिंबल मिलेगा भाई, इसमें बहुत सारी खिड़की सी दिखाई देंगी आपको। इस पर क्लिक कर दीजिए, एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने खुल के, द बॉर्डर लिस्ट। देखिए पैराग्राफ आपको नीचे वो दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह की लिस्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करना है, आपको कहाँ क्लिक करना है? होम टैब में जाके यहाँ पे क्लिक करना है। तो बॉर्डर पूछ रहा है, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, नो बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। तो आप कर देंगे सीधा नीचे ऑप्शन है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पर क्लिक करने के साथ ही जोन सा भी टैक्स आपने सेलेक्ट किया है उसके चारों तरफ, उसके अराउंड में आपका बॉर्डर सेट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर हमारा आज का। तो आज के लिए तो इतना ही, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ये दिया है सेडिंग ऑर्डर, ये भी सेम मेथड है, उसके ऊपर में सेडिंग करनी हो तो कोई खास ऑप्शन नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेट पैराग्राफ्स, और ये चैप्टर हो गया हमारा कम्प्लीट। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।